ललितपुर के मोहल्ला गांधीनगर में अतिक्रमण कर रहे निवासी के विरुद्ध मोहल्ला वासियों ने मोर्चा खोल दिया। जिलाधिकारी को इस विषय का ज्ञापन भी दिया है। देखें संवाददाता की रिपोर्ट। अभिषेक तिवारी, हमारी समस्या ये है सर कि ये जो मुक्ति मार्ग रोड के लिए जो रास्ता जाती है और यही रास्ता ये प्राइमरी स्कूल और नेशनल कॉन्वेंट स्कूल को जोड़ती है, इस पे हमारे पड़ोसी ने अतिक्रमण कर लिया है सर। ये रोड उनने जाम कर दी है और बहुत निवेदन करने के बाद भी मोहल्ले वासियों के वो नहीं, उसको खाली करना चाह रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं। तो सर हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चों के मुख्य मार्ग स्कूल की मार्ग है और यही मुक्ति मार्ग है, तो इसको सर सार्वजनिक इसको चालू रहने दिया जाए, ये अतिक्रमण हटाया जाए सर। और इनकी शिकायत आपने कहाँ की अभी? सर अभी हम लोग नगर पालिका अधिकारी ईओ साहब को भी दे आए हैं और एक डीएम साहब को भी दे आए हैं। क्या आश्वासन मिला? सर वो आश्वासन तो उनने दिया है लेकिन अभी वो जो उनने निर्माण कार्य किया उसको हटाया नहीं गया है, वो जाम है पूरा रोड अभी। कौन है वो लोग? वो सर आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी है, हमारे पड़ोसी हैं और वो जाम किए हुए हैं। हम लोगों ने उनसे काफ़ी निवेदन किया लेकिन वो धमकियाँ दे रहे हैं, मान नहीं रहे हैं।